नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। राजनीति का भी एक अलग अपना मुकाम है, अपना एक अलग मजा है। कई बार राजनीति में दुश्मन दोस्त बन जाते हैं तो कई बार सगे दोस्त दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। बड़ी बात यह है कि इस बार जो है राजनीति के गलियारों में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लगभग लगभग पूरे देश की राजनीति को हिला रखा है। दरअसल 23 मई जो बीती 23 मई थी, 23 मई को एनडीए की प्रचंड जीत हुई। एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और अन्य कई दल। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एनडीए की तरफ से मंत्रिमंडल का ऐलान किया गया। मंत्रिमंडल के ऐलान में जेडीयू के किसी भी मंत्री को पद नहीं दिए जाने के बाद नीतीश कुमार खासे नाराज दिखाई दिए और ये नाराजगी उनके बयानबाजी में भी दिखाई दी। अब बताया ये गया कि इन सारी चीजों के बाद जब 3 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया बिहार में, यहाँ पर नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री जो है जेडीयू के प्रमुख भी हैं, नीतीश कुमार ने जब विस्तार किया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को मंत्री पद पर नहीं दिया, किसी विधायक को नहीं दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच कलह की स्थिति आ गई है? भैया, स्थिति आ भी सकती है। एक तरफ जहां मायावती और अखिलेश के बीच अंतर्कलह चल रही है, वहीं दूसरी तरफ, हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच भी जमकर कलह देखने को मिल रही है। गिरिराज सिंह के पोस्ट पर भी बवाल हुआ और उसके बाद अब जीतन राम मांझी से जब 24 घंटे में 2 बार मिल चुके हैं नीतीश कुमार। दरअसल इफ्तार पार्टी पर यहाँ पर मुलाकात हुई थी, पहले तो उनकी जेडीयू की इफ्तार पार्टी पर, जीतन राम मांझी वहाँ एक अचानक पहुंचे और नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद हम पार्टी जो है, जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, उस पार्टी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार मिले। वहीं गठबंधन के कई नेताओं का ये कहना है कि नीतीश कुमार अगर उनके दल में शामिल हो जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी को भगा सकते हैं, यानी कि बीजेपी के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो चुकी है। गठबंधन तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहा है, वहीं नीतीश कुमार की नाराजगी क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी? हालांकि लोकसभा चुनावों में 300 से ज्यादा सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की हैं, तो आप बड़े नेता चाह भी कुछ भी चाह लें, कुछ कर नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी का, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन छोटे छोटे पैमानों पर, यानी कि छोटे छोटे राज्यों में, बिहार में, अब बड़े राज्यों में भी कहीं ना कहीं अब अगर इस तरह की नाराजगी देखने को मिलती है तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। यानी कि अब सियासत इस कदर गर्मा गई है, मंत्री पद को लेकर, पावर और पैसे और कुर्सी को लेकर इतनी ज्यादा सियासत गर्मा गई है कि अब नीतीश कुमार को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भैया आखिर जाए तो जाए किधर। महागठबंधन एक और है जहां जिसे नीतीश कुमार की जरूरत है। बताया ये भी जा रहा है कि लालू यादव ने भी कह दिया है कि अब एकजुट होने का समय आ गया है। रातों रात जिन नीतीश कुमार ने सरकार बदल दी थी, रातों रात गठबंधन से हटाकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया था, तो अब क्या नीतीश कुमार दोबारा वहां जाएंगे? क्या दोबारा उनको वही इज्जत मिलेगी? कई लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ उनकी जो भी गठबंधन जो हुआ है वहां पर जेडीयू को इज्जत नहीं मिल रही, इस वजह से जेडीयू नेता जो है वो हैरान परेशान है। अब सियासत कितना और गर्माएगी ये देखना दिलचस्प होगा। पलटते तो दिखाई दे रहे हैं भैया नीतीश कुमार, आसार दिख रहे हैं। औपचारिक ऐलान कब होगा ये बात हम नहीं कह सकते, लेकिन आसार तो दिख रहे हैं। अब सियासत तो अलग तरीके से चली रही है, भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में आ गई, मंत्रिमंडल भी बन गया। आगे बिहार में या फिर कई अन्य राज्यों में किस तरह का वर्चस्व होगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।